कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमण की रफ्तार लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में संक्रमण 10 गुना अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से गाइडलाइन का पालन करने का अपील किया है। संक्रमण के रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, 3 मार्च को 873 नए पॉजिटिव केस। समझदार बनो, संक्रमण से बचो। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शनिवार को राज्य में संक्रमण का इस साल का रिकॉर्ड फिर टूटा। 3 मार्च को पूरे झारखंड में 873 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से रांची से 472 केस मिले हैं, पूर्वी सिंहभूम से 101, बोकारो से 129, दुमका से 23, गुमला से 20, धनबाद से 26, हजारीबाग से 32, जामताड़ा से 21, कोडरमा से 14, रामगढ़ से 20, पाकुड़ से 18, चतरा से 4 और देवघर से 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 3 मार्च को 7 मरीजों की मौत भी हो गई, जिनमें से बोकारो में 1, चतरा में 1, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1 और रांची में 3 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही झारखंड में अब कुल 1,26,458 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,613 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 1,20,723 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,122 लोगों की मौत हुई है। मास्क लगाना है, सावधानी बरतनी है, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बार बार हाथ धोना है, एक स्तर पे हुआ। रांची के मेकॉन कॉलोनी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 30 घरों को सील कर दिया गया है। साथ ही रांची के बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल, नामकुम के 16 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। जो मेकॉन कॉलोनी है, इसमें 45 से अधिक घरों को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके सील कर दिया गया है। साथ ही जो नामकुम के एक निजी स्कूल है, वहां भी शिक्षक सहित स्टाफ जो है 16 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए रांची उपायुक्त ने अहम बैठक की, जिसमें राजधानी के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बीच एक इंसिडेंट कमांडर की तैनाती कर दी गई है, जिससे कोविड-19 मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने में आसानी होगी। इसके अलावा कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी परिस्थिति में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंसिडेंट कमांडर एक दूसरे से सहयोग बना के रखें, समन्वय बना के रखें। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। काफी कम बेड अब खाली बचे हैं। वैसे खेलगांव में भी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, साथ ही जिला प्रशासन बेड बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने सदर अस्पताल कैंपस में बन रहे नए बिल्डिंग में कोविड मरीजों के लिए बन रहे 60 बेड वाले तीसरे फ्लोर का निरीक्षण किया। संक्रमितों के आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 873 के करीब जो है संक्रमित सामने आए हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में, जहां की कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसमें गंभीर जो क्रिटिकल सिचुएशन में है उनका भी इलाज किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की गई है बिल्डिंग डिवीजन के, और उनको दिया गया टास्क कि कम से कम 3rd फ्लोर जो है वो हमें रेडी करके दे। वहीं सरकार भी लगातार लोगों से वैश्विक महामारी को बहुत हल्के में न लेने की अपील कर रही है। साथ ही सरकार और प्रशासन का सहयोग करने और गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की जा रही है। सरकार प्रशासन का सहयोग करें, सरकार द्वारा निर्देश को आप पालन करें। ऐसे हालात में शासन प्रशासन की तैयारी 2 स्तरों पर हो रही है। पहली तो ये कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बढ़ाया जाए, ताकि पॉजिटिव केस की पहचान कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। दूसरी, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। ऐसे में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कम से कम 70-75 लाख लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन के फायदे से लाभान्वित नहीं करेंगे, तब तक मैं कम से कम उस लाइन में अंतिम आदमी खड़ा रहूंगा, जो पहले अपनी जनता को लगवाऊंगा, बाद में लगाया जाए।
सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से कोविड 19 की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे में आम लोगों को भी अपना फर्ज निभाना होगा और गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में सहयोग देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।